तो फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो भी सेविका सहायिका एकजुटता से अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं वो हर एक प्रयास कर रही हैं ताकि सरकार उनकी मांगों पर विचार करे। ऐसी ही खबर, एक बहुत बेहतरीन खबर मुझे प्राप्त हुई है छपरा जिले से। मुझे कई लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा हुआ है, रिक्वेस्ट की थी कि इस पर वीडियो जरूर बनाइएगा। खबर काफी अच्छी है। आप सभी को मालूम है कि अभी जो बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी गठबंधन में है उसमें RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल है जो लालटेन छाप है, और ये इसके संस्थापक जो है वो लालू यादव जी रहे हैं। वो अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और पूर्व मुख्यमंत्री भी है, और इनके पुत्र तेजस्वी यादव जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिनसे सेविकाओं सहायिकाओं को काफी उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम में जब ये छपरा सारण जिले में पहुंचे हुए थे तो वहां पर सेविकाओं सहायिकाओं ने भी अपनी दस्तक दी, और मौके मौके को देखते हुए उन्होंने अपना मांग पत्र, आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो संघ का मांग पत्र है, माननीय जो लालू यादव जी को सौंपा, और साथ में उनसे रिक्वेस्ट की थी हमारे मांगों पर सरकार विचार करे। और इसके साथ ही जो है वहां पर इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि कई सेविकाएं सहायिकाएं उनके गाड़ी के आगे लेट गई और इसलिए उनमें विलंब भी हो गया। चलिए हम आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं किस प्रकार लालू यादव जी को मांग पत्र सौंपा गया और इससे क्या हो सकता है। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वाक्या एक हुआ जब RJD की पार्टी के संस्थापक और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जब यहाँ पर छपरा सारण जिले में किसी काम से पहुँचे हुए थे तो वहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स का हुजूम भी पहुँच गया। समूह में पहुंचकर सेविकाओं ने कैसी भी भीड़ में जाकर उनको मांग पत्र सौंपा और उनके बस के सामने भी लेट गईं कि कहीं ना कहीं या लालू यादव जी ये कुछ न कुछ बोल कर जाएं कि किस प्रकार क्या निर्णय लिया जाएगा। हालांकि निराशा फिलहाल हाथ लगी है। देखिए, ये मुझे व्हाट्सएप पर भेजा गया है दैनिक जागरण में 26 अक्टूबर को, ये खबर लेटेस्ट प्रकाशित की गई थी। लिखा गया, 7 वर्ष के बाद सारण पहुंचे लालू उत्साह व मांग से रूबरू हुए। आंगनवाड़ी वर्कर्स के मांगों पर भी जो है यहाँ पर इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं लालू यादव जी, यहाँ इनका फोटो दिया गया है, और इनकी पार्टी ही जो है फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ JDU के साथ गठबंधन में है। इनके पुत्र तेजस्वी यादव हैं। लिखा गया, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बुधवार को 7 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद छपरा पहुंचे। यहां वे समर्थकों के अत्यधिक उत्साह व आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की मांग से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। लिखा गया है कि लालू यादव ने मीडिया से बात नहीं की, सर्किट हाउस के बंद कमरे में लगभग 1 घंटे तक पुराने नेताओं से बातचीत की, कमरे में ही भोजन किया, रौजा स्थित अधूरे पड़े पार्टी कार्यालय का निर्माण पूरा कराने का दिशा निर्देश दिया। लालू यादव को सुबह 11:30 बजे ही छपरा सर्किट हाउस पहुंचना था, परंतु रास्ते में रुकने व पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के कारण वो 1 बजे पहुंच सके। सर्किट हाउस में समर्थकों की अत्यधिक भीड़ के कारण मेन गेट का शीशा टूट गया, जिससे एक कार्यकर्ता जख्मी हो गया। वहीं लालू के बाहर निकलने के पहले अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाएं उनका रथनुमा बस के सामने लेट गई। इनके लिए एक तरह से एक रथ बस के डिजाइन में एक रथ बनाया गया था, और जब वो बाहर निकले सर्किट ऑफिस से मीटिंग वगैरह करके तो सेविकाएं सहायिकाएं बस के सामने लेट गई कि कहीं ना कहीं लालू यादव जी को ये कुछ ना कुछ कहना होगा कि सरकार क्या निर्णय लेगी या फिर तेजस्वी यादव की क्या मंशा है। मांग पत्र लेकर प्रशासन ने लगभग 10 मिनट की मशक्कत के बाद उन्हें हटाया। सेविकाओं सहायिकाओं के हुजूम ने, कार्यकर्ताओं के हुजूम ने ऐसे घेरा हुआ था कि 10 मिनट तक उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने कहा कि सेहत खराब होने का राजद अध्यक्ष छपरा नहीं आ पा रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में बात करने आए तो इसमें हर्ज क्या है। छपरा लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है, इस दौरान कई विधायक MLC वगैरह वहाँ पर मौजूद थे। देखिए, अगर लालू यादव जी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को दुख को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी समझे होंगे तो इस पर चर्चा जरूर होगी और बिहार सरकार कुछ ना कुछ निर्णय लेगी। हालांकि ये उम्मीद है, आगे देखने वाली बात होगी क्या होता है। उम्मीद है आपको भी जानकारी जरूर मिली होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।